दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो 1200 किलो वाले पत्थर को लेकर अकेला चला था और आज भी वो पत्थर म्यूजियम में रखा हुआ है, क्योंकि इतिहास में दोबारा ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ जो इतना ज्यादा ताकतवर हो। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि भारत देश के ही मशहूर और सबसे ताकतवर पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान है। गामा पहलवान वो नाम है जो कुश्ती के क्षेत्र में हर भारतीय ने सुना है। अपनी इसी बेशुमार ताकत की वजह से ये दुनिया भर में जाने गए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गामा पहलवान की पूरी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप भी गामा पहलवान के फैन बन जाएंगे। इनकी कहानी में आपको संघर्ष, जज्बा, मेहनत सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जब आपको इनकी ताकत का अंदाजा होगा तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दोस्तों ये कहानी है वही गामा पहलवान की, जिसने कुश्ती में ना सिर्फ रुस्तमे हिंद बल्कि रुस्तमे जहां का भी खिताब हासिल किया। वही गामा पहलवान जिसके दम पर आज भी भारत को विश्व विजेता कहलाने का मुकाम हासिल है। और जी हाँ, ये वही गामा पहलवान है जिनके नाम पर दुनिया का सबसे विशाल पत्थर उठाने का भी रिकॉर्ड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके द्वारा उठाया गया इस पत्थर का वजन 1200 से भी ऊपर बताया जाता है। हालांकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये काम किसी साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। और अगर आपको भी हमारे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि गामा पहलवान द्वारा उठाया गया वो 1200 किलो का पत्थर आज भी बड़ोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस म्यूजियम में गामा पहलवान द्वारा कसरत करने के लिए इस्तेमाल किए गए सामान भी आपको उस म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि गामा पहलवान ने 52 साल तक पहलवानी की और अपने इस 52 साल के लंबे करियर में आज तक इन्हें किसी भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा। आपको बता दें कि गामा पहलवान विश्व के पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और यहां तक कि ब्रूस ली भी इन्हें अपना आइडियल मानते थे। उनका कहना था कि उनको इस बात का मलाल रहेगा कि वो गामा पहलवान के जैसे शारीरिक मजबूत और ताकतवर क्यों नहीं रहे। दोस्तों अब इन सब बातों से आप जान ही गए होंगे कि गामा पहलवान कितने दमदार और मशहूर व्यक्ति रहे, जिन्होंने भारत देश का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने में गामा पहलवान को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों देश का सबसे पहला पहलवान व्यक्ति होना कोई आसान बात नहीं और गामा पहलवान भारत देश के लिए कई मेडल भी जीत कर लाए। इसीलिए हम सबको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। दोस्तों गामा पहलवान का पूरा नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था, जिनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर पंजाब में हुआ। बताया जाता है कि इन्हें बचपन से ही पहलवानी और कुश्ती का शौक था, इसीलिए उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र से ही पहलवानी करना शुरू कर दी। ये ऐसे पहलवान थे जिन्होंने पत्थर के डंबल से बॉडी बनाई। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिसने गामा को हराया हो, जिस वजह से उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी मिला। यहाँ तक कि उस समय सबसे ज्यादा मशहूर माने जाने वाले अमेरिका के जेविस्को को भी गामा ने परास्त कर दिया था। लेकिन हाँ दोस्तों, गामा को उनके पूरे जीवन में सिर्फ एक बार किसी व्यक्ति ने कुश्ती में हराया। ये व्यक्ति मथुरा का रहने वाला था, जिसने कलकत्ता के दंगल में गामा को भी कुश्ती के दांव में बेहोश कर दिया। इनका नाम चंद्रसेन था। ये गामा की जिंदगी का पहला और आखिरी ऐसा किस्सा था जिसमें गामा को किसी ने हराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जब पहलवान छोटे थे तो जोधपुर में पहलवानों की एक प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें देश के कोने कोने से कुल मिलाकर 450 पहलवान शामिल हुए। ये सारे पहलवान हट्टे कट्टे और मजबूत दिखाई दे रहे थे। इस प्रतियोगिता में गामा ने भी हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता काफी कठिन और थका देने वाली थी, मगर गामा पहलवान का नाम इन 450 पहलवानों में से टॉप 15 पहलवानों में शामिल किया गया और उनकी उम्र उस वक्त महज 10 वर्ष की ही थी। उस वक्त गामा की ताकत को देखकर सभी हैरान हुए, साथ ही जोधपुर के महाराजा ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया। इसके बाद गामा की उम्र जब 17 साल हुई तो कुश्ती में उनका मुकाबला पहली बार रहीम बख्श सुल्तानी से हुआ। और दोस्तों ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, क्योंकि यहाँ एक तरफ 17 साल उम्र और 5 फुट 7 इंच लंबाई वाले गामा थे जो कि कुश्ती में नए थे, और वहीं दूसरी तरफ अधेड़ उम्र के अनुभवी पहलवान जिनकी लंबाई 7 फुट थी वो इस मुकाबले में शामिल थे। इस मुकाबले को देखने दूर दूर से लोग आए। हर जगह इस मुकाबले के चर्चे होने लगे और जब मुकाबला शुरू हुआ तो गामा पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से लड़ते रहे, यहाँ तक कि गामा के नाक, मुंह, सिर से खून भी बहने लगा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वो लड़ते रहे। दोस्तों इस मुकाबले में कोई नहीं जीता, ये मुकाबला बराबरी का रहा। लेकिन इसके बाद गामा पहलवान हर जगह मशहूर हो गए।
इसके बाद गामा पहलवान एक के बाद एक मुकाबला जीतते गए और देश में सबसे ताकतवर पहलवान के नाम से जाने जाने लगे। गामा पहलवान नेशनल लेवल पर कई कुश्ती प्रतियोगिताएं जीत चुके थे, उन्हें हराने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद गामा इंटरनेशनल लेवल पर लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, लंदन टूर्नामेंट में गामा को कम लंबाई होने के कारण प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया गया, जिसके बाद गामा ने कहा कि वो आधे घंटे के अंदर ही किसी भी तीन पहलवानों को, जिनकी लंबाई कितनी भी हो, उसे हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। कुछ लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद गामा ने दूसरी चुनौती भी दी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक ग्रॉच और जेविस्को को हरा देने की बात कही। इसे सुनने के बाद बेंजामिन रोलर नाम का पहलवान गामा से लड़ने के लिए आया और गामा ने उसे सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ही पछाड़ दिया। इसके अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को हराया और आखिरकार टूर्नामेंट में एंट्री की, और यहाँ इनका सामना स्टैनिसलास जेविस्की से हुआ, जो कि वर्ल्ड के चैंपियन माने जाते थे। 10 सितंबर 1910 को इनका ये मुकाबला शुरू हुआ और दुनिया के सबसे पहलवान माने जाने वाले दो पहलवान एक दूसरे के सामने थे। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि 250 यूरो और जॉन बुल बैट थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गामा पहलवान ने 1 ही मिनट में जेविस्को को हरा दिया और उसे इतनी बुरी तरह पछाड़ा कि उसे 2 घंटे तक होश भी नहीं आया। इसके बाद दोबारा से ये मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें जेविस्को ने गामा पहलवान की वार से बचने के लिए सारे पैंतरे आजमाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। ये मैच तकरीबन 3 घंटे तक लगातार चलता रहा, जिसमें ना कोई जीत रहा था और ना कोई हार रहा था, जिस वजह से इस कॉम्पिटिशन का विनर गामा पहलवान को माना गया। गामा पहलवान ही इनामी राशि और जॉन बुल बेल्ट यहाँ से जीत कर ले गए। इसी सम्मान में उन्हें रुस्तमे जमाना के खिताब से भी नवाजा गया। इसके बाद भी गामा पहलवान ने इंटरनेशनल लेवल पर कई मैच जीते और बड़े से बड़े पहलवान को हराया। उस वक्त जेविस्को काफी जबरदस्त बॉडी बनाए हुए थे, जबकि गामा काफी पतले दुबले हो चुके थे, मगर फिर भी दोनों का मुकाबला हुआ, जहां गामा ने जेविस्को को हरा दिया, जिसके बाद जेविस्को भी उनसे प्रभावित हुए और उन्हें बाघ कहकर संबोधित किया। गामा पहलवान देश के तो सबसे ताकतवर पहलवान थे ही, मगर वो वर्ल्ड के सबसे ताकतवर पहलवान माने जाने लगे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने पहलवानी की और भारत पाक के बंटवारे के समय वो अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए, जहां मई 1960 को लाहौर में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस तरह गामा पहलवान का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। अब तक भारत देश में गामा पहलवान जितना ताकतवर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं देखा गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।